सावल डाकू की कैद से फरार, मतलब डायरेक्ट मौत को दावत। जब गांव में कोई बच्चा रोता है ना, तो सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसका बाप, उसका चाचा, उसका दादा, उसकी नानी, उसकी फूफो सब कहती है, बेटा सो जा मुंडा, सावल डाकू आ जाएगा। जी सनी, वही अफसरदा कहानी। पैदा हुआ तो माँ का इंतकाल हो गया, दुबई में मैंने इतनी अंग्रेजी बोली कि अपनी जबान भूल गया। ओ तू डाकू है, डाकू। हम दोनों कहीं सैर पे चले, सी व्यू, किमाड़ी, गडानी वगैरह। वो लड़की तुझे पागल बना रही है, शादी करोगे मत? सारा गांव छान मारा, सावल का कुछ अता पता नहीं चला। सावल मुझे यहाँ चाहिए, रिश्ता लाना होगा, पापा को ले आओ सर। तुम्हें बाप बना के लेके जा रहे, तुम गुंडे मवाली बन के जा रहे हो। ये लगा के रखना वहाँ पे, इससे तुम्हारी आंखों का झूठ उनको नजर नहीं आएगा। इस मुंह का क्या करूं जिसपे से उर्वट टपक रही है। बंदूक की भाई पड़े पड़े देखे, पर तेरे जैसा बहादुर नहीं देखा। बहादुर या जैसे चरिया, सावल डाकू की कैद से फरार, मतलब डायरेक्ट मौत को दावत। समझे? यहाँ से कोसों कोसों मील दूर। जब गांव में कोई बच्चा रोता है ना, तो सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसका बाप, उसका चाचा, उसका दादा, उसकी नानी, उसकी फूफो सब कहती है, बेटा सो जा मुंडा, सावल डाकू आ जाएगा। तूने सावल साई को गुस्सा दिलाया है, अब उसकी प्यास तेरे खून से ही बुझेगी। भाई भाई मुझे जाने दो यार, आप लोगों को झूठी खबर मिली है। भाई मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, इतना तावन। अरे भाई कहाँ से तू गया यार, कहाँ से तू गया? बीबीसी की रिपोर्ट और डाकू सावल की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। मीडिया बहुत फास्ट हो गया डॉक्टर। ये देख तेरा पूरा प्रोग्राम, सरकारी अस्पताल में नौकरी, आजू बाजू छोकरी, अपना अस्पताल, ऊपर से नकली दवाइयों का कारखाना, नीचे से वही दवाइयां गरीबों को चिपकाना। भाई 30 लाख फिर भी बहुत ज्यादा है। अरे वो जो तू मरीजों को देखने के 20-20 हज़ार लेता है, वो कम है, है? चलाओ आप खुड़ खुड़ खाओ खुड़ खुड़ सो। मंगी आदि, इसने भागने की कोशिश की ना, इसके दोनों पांव काट। इतना भरम कराया तेरा, अब तू पीछे हट रहा है। अबे मंगी जिद नहीं कर, जाके काट दे। क्या हो गया तुझे, कप्तान नहीं बनना तुझे? पहली गाते फूंग के चक्कर में नहीं पड़ियो, हो गया ना फोकस आउट। मंगी, अबे मंगी। हाँ हाँ मंगी मंगी, जा 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 काट दे, जा जल्दी जा। वो टांगे पकड़ रखी रस्सी बांध को। नहीं 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 क्या कर रहे हो? अरे अरे कार अब 20 लाख रुपए दूंगा यार। कार ले जा रहे हो? अरे कार ले जा रहे हो? अब अरे अरे बाहर चल गया। अंकल ये पूरे 20 लाख है।
मैं पापा को घर ले जाऊं। वो तू 20 लाख लाके पापा लेने के लिए आए, अब वो तो तू शहर की किसी बेकरी से भी ले सकता था। डाकू अंकल, वो चाय वाला पापा नहीं, ये वाले पापा। ओ बाप का नाम पापा रखा हुआ है तो माँ को तो डबल रोटी कहता होगा। मैं पापा को घर ले जाऊं। ए छोरा, इतना आसान समझा है क्या ले जाना? दादा पी कर जा, जा जाकर। ए सावल। जी सरदार। इधर ध्यान है तेरा। कहीं नहीं सरदार। नहीं तेरा दिल नहीं लगता ना? अरे फोन को टाइम ना दिया कर, अपने काम को देख, काम को। सरदार फोन भी तो काम के लिए ही है ना। ये फोन मैंने काम के लिए दिया था, लोगों को डराने और धमकाने के लिए, और तू है उस पर फिल्में और गाने देख रहा है। अरे अपने बात थी, काम के लिए उसने अपनी जान दे दी थी, और तू है कि बस बात सुन, अब की बार अगर तेरी शिकायत आई ना तो तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा मैं। न फोन इस्तेमाल कर सकेगा और न हथियार और न बंदूक। क्यों बे, जो मन साई से हमारी शिकायतें लगाएगा है? छोड़, ओ मैंने नहीं लगाई किसी को कोई शिकायत विकायत यार। फिर किसने बताया? ओ तू जानता तो है, ओ जुम्मन साई के ना ऊपर हर जगह मौजूद हैं, उन तक बात पहुंच ही जाती है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है ये सब कुछ छोड़ के चला जाओ यहाँ से। ओ सोचियो भी नहीं ऐसा, और तुझे पता है ना गद्दारी और भगोड़े की सजा सिर्फ मौत है। तो अभी हम कौन सा जिंदा है? इसको उठाओ, उसको डराओ, उसको धमकाओ, दुनिया चांद पे जा रही है और हम यहाँ मिट्टी के अंदर ही घुसे जा रहे हैं। ओए क्यों फजूल बातें सोचता है तू, ओ छोड़ दे ये सब। हमारे पुरखे भी यही काम करते थे, हम भी यही काम कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी यही काम करेंगी यार। बे नस्लें तो तब होंगी जब हमारी शादियां होंगी। इस जंगल में कौन करेगा हमसे शादी, कौन करेगा हमसे मोहब्बत? ये देख क्या प्यारी प्यारी लड़की है, क्या अच्छे अच्छे घर, सड़कें, शहर। ये देख इन लड़कियों के मूछे भी नहीं है। वो ये तो जीन से भी पहनी हुई है। तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैसेज आ गया, किसी और को उठाना है। अबे यार चल भाई उठाते हैं, बढ़ा ले आवाज, बेस डाल बेस। यार मैं तो ये सावल और सावल डाकू के बीच में ही फंस गया हूँ। अरे रुक जा, छोड़ो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें, छोड़ दो मुझे। Thank you.
मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद किधर गए?